Hello students, welcome to our channel And Its Minds. I am Preksha Jain, back with class 6th science. Today we are going to study chapter 16, Garbage In, Garbage Out, and this is the last chapter of class 6th science. So let us start this chapter. We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and offices. तो हम क्या है ना डेली ही काफ़ी सारा रबिश और गार्बेज जो है वो अपने घर से या स्कूल शॉप से रिमूव करते हैं, डंप करते हैं. द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेस्ड इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स. तो ये जो काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं वो किस में पैक्ड आते हैं, या तो प्लास्टिक बैग में पैक्ड आते हैं या टिन्स में. तो हम वो भी क्या है, फूड आइटम यूज़ करने के बाद ये प्लास्टिक बैग और टिन को डंप कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं. तो ये सब क्या है, गार्बेज है. ऑल दीज रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज. तो ये जितना भी रैपिंग मटेरियल है ना वो क्या बन जाता है, गार्बेज बन जाता है. वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रियली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इन टू द गार्बेज. तो हम कुछ चीज़ें ऐसी भी बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं जो कि ज़्यादा यूज़ की नहीं होती हैं, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो गार्बेज बन जाते हैं, हम उसको थ्रो अवे कर देते हैं. वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. सो हम डेली बेसिस पर ना हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं हम उसमें बहुत गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं. वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस इन बसेज और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स. सो ग्राउंडनट की जो शेल्स होते हैं, तो कई बार आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप बस में टाइम पास के लिए या फिर व्हीकल में टाइम पास के लिए क्या करते हो, वो ग्राउंडनट्स खा रहे हो. तो वो तो आपने ग्राउंडनट जो थे नट्स तो खा लिए, उसके बाद जो शेल है वो वहीं डंप कर देते हैं हम ना. वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस. सो बस से उतरने के बाद या ट्रेन से उतरने के बाद टिकट्स को क्या है, हम वहीं पर थ्रो कर देते हैं. अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन. सो आप लोग भी कई बार करते हो कि क्लास में बैठ के पेंसिल शार्प कर रहे हो फॉर फन, एंड उसका जो भी वेस्ट है उसको वहीं पर डंप करते जा रहे हो. आप इतना एफर्ट्स भी नहीं लगाते हो कि आप उठ के वो जो वेस्ट है उसको डस्टबिन में डालो. इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन अवर नोटबुक वी टियर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे. तो हमारी नोटबुक्स पर अगर बाई मिस्टेक इंक स्पिल हो जाती है, इंक गिर जाती है, या फिर नोट डाउन करते टाइम आप जैसे कुछ नोट्स बना रहे हो एंड कुछ गलत लिख दिया आपने, सो आप क्या करते हो, डायरेक्टली उस पेज को टियर ऑफ करके फेंक देते हो वहीं. एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ्स, शूज एंड स्लीपर्स. और हमारा जो भी सामान खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है, वेदर इट इज क्लोथ्स, शूज, स्लीपर्स, हम क्या है उसे एज अ वेस्ट फेंक देते हैं. वॉट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम अवर होम्स एंड सराउंडिंग. सो हम ये क्यों चीज सारी चीज़ें जो हैं वो रिमूव क्यों करें, गार्बेज अगर रिमूव नहीं किया जाएगा घर से या सराउंडिंग से तो क्या इसके कंसिक्वेंसेज हैं, हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस. सो ये गार्बेज अगर हम घर पर या सराउंडिंग में कलेक्ट करते रहेंगे तो वो क्या हार्मफुल होगा. वेन सफाई कर्मचारीज टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड वॉट हैपन्स टू इट. तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, जो गार्बेज लेके जाते हैं तो उस गार्बेज का क्या होता है फिर. इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस. क्या ये पॉसिबल है कि जितना भी गार्बेज जो वेस्ट मटेरियल है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऐसे किसी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए जो कि हार्मफुल ना हो. कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस वे दिस इन एनी वे. सो हम ये जो गार्बेज कलेक्ट करने हैं या फिर गार्बेज को प्रॉपर डिस्पोजल के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं क्या. वी विल लुक फॉर ऑन आंसर्स टू दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं हमें इस चैप्टर में मिलेंगे. सो अब हम यहाँ से देखते हैं और आगे क्या है. चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बुझो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज. सो पहेली एंड बुझो के क्लासमेट्स ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लिए किया जिसका नेम था डीलिंग विद गार्बेज, की गार्बेज के साथ डील करना है. वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न्ड थ्रू दिस प्रोजेक्ट. तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि इस प्रोजेक्ट के अंडर उन्होंने क्या क्या फाइंड आउट किया, क्या क्या लर्न किया. तो आपको भी ये सारी चीज़ें फिर लर्न करना है जिससे आप भी
गार्बेज को प्रॉपरली डील कर सको। सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन SBM। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्रिएट एन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय 2nd October 2019। सो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो बहुत कॉमनली नोन एक प्रोग्राम है जिसका एम क्या था, इंडिया को पूरा वेस्ट फ्री बनाना है। दैट मीन्स कि क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया, जितना भी गार्बेज है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, रोड्स पे, ओपन ग्राउंड्स पे डिफेक्शन ना हो। एंड इसके लिए लास्ट डेट क्या था, 2 October 2019। एंड इसमें काफ़ी कुछ सक्सेस भी मिला। सो नाउ हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो है, जो बूझो इन पहली के क्लासमेट्स का प्रोजेक्ट टॉपिक भी है, डीलिंग विद गार्बेज। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं, दैट मीन्स कि जो आपके घर के बाहर भी देखा होगा आपने, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आते हैं, वो उनके पास ट्रक्स होते हैं या फिर हैंड ड्रिवन कार्ट होते हैं, तो उस पर वो क्या करते हैं, गार्बेज को कलेक्ट करते हैं एंड उसको लेके कहाँ चले जाते हैं, सिटी के आउटस्कर्ट्स पे या फिर जो टाउन है उसके जो आउटर बाउंड्रीज हैं वहाँ पर लो लाइंग एरिया बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, लैंडफिल। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रिफ्यूज्ड इज सेपरेटेड रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। फिर वहाँ जाने के बाद क्या होता है ना, लैंडफिल्स में गार्बेज जब जाता है तो उसमें से यूजफुल एंड अनयूज्ड, या फिर बोल सकते हैं हम कि कोई भी गार्बेज पार्ट ऐसा है जिसको रीयूज किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ग्लास है अगर, तो वो क्या है, रिसाइकिल हो सकता है, तो उस गार्बेज को अलग कर लेते हैं। एंड जो गार्बेज रीयूज नहीं हो सकता, जैसे पॉलीथीन्स हैं, वो रिसाइकिल अगर नहीं हो सकती हैं तो वो क्या है, उसको अलग डिवाइड कर देते हैं। दस द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स, दैट मीन्स कि गार्बेज में भी यूजफुल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट हैं। द नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट इज सेपरेटेड आउट, एंड नॉन यूजफुल जो है उसको सिंपली सेपरेट कर दिया जाता है। इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल। सो जो नॉन यूजफुल है उसको क्या किया जाता है, पूरी लैंड पे स्प्रेड करके उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर डाल देते हैं। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज यूजली कन्वर्टेड इन टू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। और जब वो लैंडफिल पूरा फिल हो जाता है ना किसे, गार्बेज से, तो उसके ऊपर सॉइल की लेयर स्प्रेड करके उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसी पार्क या फिर प्लेग्राउंड में। फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। एंड वहाँ पर पार्क या प्लेग्राउंड इसीलिए बना देते हैं कि एटलीस्ट 20 years तक उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ना हो। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कॉम्पोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। एंड जो गार्बेज में यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, जैसे किचन वेस्ट है या जो डिग्रेड हो जाते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं, उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या बना दिया जाता है लैंडफिल के आसपास, कंपोस्ट मेकिंग एरिया, जहाँ पर ये यूजफुल गार्बेज जो है कुछ कुछ उसको कंपोस्ट मेकिंग एरियाज में डाल दिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या है, सो लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है Activity 1, उससे हम ये देखते हैं। एंड नाउ पहेली इज आस्किंग अ क्वेश्चन, पहेली डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज, व्हाई वाज इट थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस, इज देयर सम गार्बेज दैट इज नॉट एक्चुअली गार्बेज। तो पहले बोल रही कि अब ये यूजफुल गार्बेज क्या होता है, वेस्ट मतलब तो वेस्ट, अब डंप कर दिया तो किसी यूज का नहीं होगा, दैट इज वाई तो किसी ने फेंक दिया ना। बट उसका एक और क्वेश्चन ये है कि गार्बेज जो है एक्चुअल में गार्बेज है क्या, मतलब कुछ गार्बेज जो यूजफुल है वो एक्चुअल में गार्बेज है भी या फिर नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा कि कुछ टाइप ऑफ गार्बेज क्या है ना, अब आप घर पे नहीं कलेक्ट कर सकते, जैसे ग्लास के बॉटल्स हैं या फिर ग्लास का कोई भी इक्विपमेंट है, अगर वो टूट जाता है दैट मीन्स कि क्या है, आप उसको घर पे नहीं रख सकते बिकॉज इट इज़ ब्रोकन। या फिर ग्लास के बॉटल्स हैं, कितना कलेक्शन करोगे आप, दैट इज़ वाई उसको हम क्या करते थे, डंप कर देते हैं। अब वो ग्लास जो है वो फिर से रिसाइकिल होकर यूज़ हो जाता है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स होते हैं, किचन वेस्ट जिसको बोलते हैं, अगर गार्डनिंग करते हैं आप, तो गार्डनिंग का जो वेस्ट होता है वो भी क्या है,
डिकम्पोज हो जाता है, पेपर्स हैं जो, तो पेपर भी आप घर पे कितना सारा कलेक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा कलेक्ट तो नहीं हो सकता है, सो हम वो भी डंप करते जाते हैं, तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाता है, यूजफुल वेस्ट में आ जाता है, बिकॉज पेपर जो है वो डिग्रेड हो जाता है, एंड पेपर किसका बन रहा है, वुड का बन रहा है, तो दैट इज वाई ये जो कैटेगरी ऑफ वेस्ट है ये कौन से होते हैं, यूजफुल वेस्ट आते हैं या फिर यूजफुल गार्बेज में आते हैं। अब हम कंपोस्ट के बारे में देखते हैं एक्टिविटी वन में। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इन टू द डस्टबिन। सो अपने घर का जो गार्बेज है ना उसको डस्टबिन में जाने से पहले ही कलेक्ट कर लो। सेपरेट इट इन टू टू ग्रुप्स सो दैट दे हैव, तो जो गार्बेज है ना आपके घर का डस्टबिन में डालने से पहले उसको कलेक्ट कराओ एंड उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना, दो ग्रुप्स में। दो ग्रुप्स कैसे होंगे, सो करो फर्स्ट में क्या करो, गार्बेज फ्रॉम द किचन। सो किचन गार्बेज जो है ना, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील्स होंगे, आउटर शेल, एग शेल होती है, वेस्ट ऑफ फूड, टी लीव्स इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। सो किचन वेस्ट जितना भी है और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट जो एक्सट्रैक्ट है, उसके अलावा पेपर्स या पेपर से बनी हुई कोई भी चीज़ें, ड्राई लीव्स जो हैं वो सारा किस में आएगा, ग्रुप वन में। एंड ग्रुप टू में क्या आएगा, पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज, ब्रोकन टॉयज, ये सब किस में आ जाएंगे, ग्रुप टू में। नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू टू सेपरेट हीप्स। अब ये दोनों ग्रुप के क्या है, अलग अलग हीप बना लेना है। लेबल देम एज ए बी सी एंड डी, एंड उसको क्या करना है, लेबलिंग भी देना है जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। Put one heap from group 1 and one heap from group 2 into two separate plastic bags. So group 1 and group 2 में से collect जो waste है, garbage है, उसको collect करके plastic bags में रखना है, separate plastic bags में। Tie the mouth of these two bags tightly and उन दोनों plastic bags का जो handles रहेंगे उसको, mouth है उसको tightly बांध देना है। Put all the four heaps in separate plates and cover them with soil. And क्या करना है, वो heaps को soil में pit बना के रखना है and ऊपर से भी soil से cover कर देना है। You can also use four pots to bury these garbage heaps. अगर आप soil में नहीं करना चाह रहे हो, pit बनाना चाह रहे हो, तो आप इसके लिए pot का भी use कर सकते हो। Remove the soil after 4 days and observe the changes in the garbage. अब क्या करना है, 4 days के बाद जो सॉइल है उसको रिमूव करके गार्बेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखना है। अ ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कम्प्लीट। तो इन केस अगर जो गार्बेज है वो ब्लैक कलर का हो गया है एंड उसमें से कोई भी बेकार स्मेल नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि क्या हुआ, वो कम्प्लीटली रॉट हो गया है। Put the heap again in the pit and cover with soil. So, उस pit, heap को क्या करना है, फिर से pit में रख के soil से cover करना है। Observe again after every 2 days and note your observation as suggested. Did the garbage? So, क्या करना है, observe करना है आपको कि क्या changes हो रहे हैं garbage में। तो first question है कि did the garbage rot completely and not smell? तो गार्बेज कम्प्लीटली रॉट हो गया एंड स्मेल नहीं कर रहा है। सेकेंड है, रॉट ओनली पार्शली, सिर्फ थोड़ा सा ही रॉट हुआ है। थर्ड वन इज रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, एंड दैट मीन्स कि कम्प्लीटली रॉट तो हो गया बट स्मेल जो है अभी भी आ रही है। नेक्स्ट इज नॉट चेंज एट ऑल, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। गार्बेज इन विच ही वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट, सो किस गार्बेज की हीप में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी रॉट नहीं हुआ था या फिर कम्प्लीटली रॉट हो गया था, तो ये सब हमें ऑब्जर्व करना है। इंटर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इन द कॉलम्स ऑफ टेबल 1, 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस। तो आपके जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे ना उसे यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर नोटबुक। इनकेस कोई दूसरे ऑब्जर्वेशन भी आती है तो उसे भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। एंड एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको डिसअपियर करने के लिए या फिर उसको ब्लैक कन्वर्ट करने के लिए जो गार्बेज रॉट नहीं हुआ है ना उसे बिल्कुल भी बर्न नहीं करना। If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your favorite plants.
दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। अगर गार्बेज जो है वो कम्प्लीटली रॉट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, उसमें से स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही है एंड उसको हम सॉइल में मिक्स कर सकते हैं जहाँ पर भी आप अपना फेवरेट प्लांट ग्रो कर रहे हो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट। सो इस एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है हमें कि गार्बेज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रॉट हो जाती है, खराब हो जाती है। दे फॉर्म मैन्योर विच इज यूज फॉर द प्लांट्स एंड वो चीज़ें जो रॉट हो जाती हैं वो क्या बनाती हैं, मैन्योर बनाती हैं जो कि प्लांट यूज करते हैं। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इंटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। एंड ये जो मेथड होती है, प्रोसेस होती है पूरी, जहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स मैन्योर में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, रॉटिंग की प्रोसेस से, उसे क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्यूनसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू काइंड ऑफ गार्बेज। सो कुछ प्लेसेस पर ऐसा है, इंडिया में भी काफ़ी सारी सिटीज हैं जहाँ पर क्या है, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए दो अलग अलग डस्टबिन दिए जाते हैं, वो म्यूनसिपैलिटीज भी लगाती है। इवन काफ़ी सारे लोग घर में भी गार्बेज जो कलेक्ट हो रहा है ना उसके लिए दो डस्टबिन रखते हैं, एक में करते हैं क्या ग्रुप वन वेस्ट एंड दूसरे में क्या डंप करते हैं ग्रुप टू वेस्ट। Usually one is colored blue and the other is green. So उसको blue and green color करते हैं। The blue bin is for materials that can be used again. And इसका significance भी है कि blue color में क्या dump किया जाता है, जिन materials को double से use किया जा सकता है वो क्या हो जाएंगे, group two garbage such as plastics, metals and glass. Then, did you notice that these are the materials that do not rot in garbage heaps? So, हमारे जो यहाँ के क्वेश्चन थे वो हम इस पैराग्राफ के बाद आंसर देखते हैं उनके। तो जहाँ पर ग्रुप टू वेस्ट था ना, वाले हीप में बिल्कुल भी रोटिंग नहीं हुई। द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। और ग्रीन बिन्स का क्या फंक्शन है, क्या कलेक्ट करते हैं वो, किचन वेस्ट होता है जो, और जो कि डिग्रेड हो जाता है या फिर मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कलेक्ट करते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल। सो ग्रुप ए जो वेस्ट है जो कि ग्रीन बिन्स में रखते हैं वो कम्प्लीटली रॉट हो जाता है जब उसको सॉइल में बरी किया जाता है। डू यू सी व्हाई इज इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू सेपरेट वेस्ट इंटू टू ग्रुप्स एज वी डिड इन एक्टिविटी वन बिफोर वी थ्रो इट। सो जो वेस्ट है, गार्बेज है, उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना क्यों ज़रूरी है, जो कि हमने एक्टिविटी में किया। सो यहाँ पर ये देखो कि ए बी सी एंड डी। सो ए एंड बी फॉर एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, कौन सा गार्बेज है, ग्रुप वन गार्बेज इज ए एंड ग्रुप टू गार्बेज इज बी। अब सी और डी में क्या किया है ना कि ग्रुप सी में है कौन सा गार्बेज, गार्बेज ग्रुप ए का, बट इसको पॉलिथिन में पैक किया हुआ है। एंड सेम ग्रुप डी में भी बी का जो गार्बेज था उसको पॉलिथिन में पैक करके फिर पिट में डाला हुआ है। सो गार्बेज ए जो है ना, ग्रुप ए का जो गार्बेज है वो क्या होगा, कम्प्लीटली रॉट हो जाएगा एंड उसमें स्मेल भी नहीं आएगी बिकॉज सॉइल के जो बैक्टीरियाज हैं वो इस गार्बेज को डिकम्पोज होने में हेल्प करेंगे। दैट इज वाई ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल। सेकेंड जो बी है उसमें क्या लिया हमने, जो ग्रुप टू वेस्ट था, अब ग्रुप टू वेस्ट में प्लास्टिक है, ग्लास है, तो ये क्या है, बिल्कुल भी नहीं कन्वर्ट होगा, तो ये कहा जाएगा नॉट चेंज एट ऑल। थर्ड में क्या लिया, ग्रुप ए कार्बेज जो कि एक पॉलीबैग में प्लेस था, तो ये क्या होगा, रॉट ओनली पार्शली, नो सॉरी ये होगा क्या, रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। तो ये पॉलीबैग के अंदर तो कम्प्लीटली रॉट हो जाएगा बट उसमें क्या रहेगी, स्मेल आएगी बिकॉज जो वेस्ट मटेरियल है, जो हार्मफुल गैसेज हैं वो क्या है, उसके तक जो सॉइल के बैक्टीरिया वो नहीं पहुंच रहे हैं, दैट इज वाई स्मेल तो रहेगी बट वो कम्प्लीटली रॉट हो जाएगा। एंड लास्ट जो डी, हमने ग्रुप टू को पॉलीबैग में रखा था, वो क्या होगा, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। फाइन, तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि हम गार्बेज को जो पॉलीथिन बैग में रख रहे हैं क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो डिकम्पोज हो।
तो ठीक है, इसीलिए वो क्या होगा, उसके अंदर रखे हुए गार्बेज में कोई चेंज नहीं आएगा. एंड इनकेस अगर ग्रुप वन गार्बेज है तो रॉट तो हो जाएगा बट स्मेल आएगी. तो यहाँ पर दो टर्म्स आ जाते हैं, क्या बायोडिग्रेडेबल एंड दूसरा हो जाता है क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि रॉट होके डिसअपियर हो जा रहे हैं या फिर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं. तो ये क्या होगा बायोडिग्रेडेबल, एग्जाम्पल में कौन से आ जाएंगे, ग्रुप वन गार्बेज. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा, जो कि डिकम्पोज नहीं होता है, जो कि गायब नहीं होता. सो ये कौन सा है, ग्रुप टू गार्बेज. नाउ कंटिन्यू हेयर. Have you noticed garbage heaps of dried leaves on the roadside? तो आपने रोड साइड पर जो ड्राइड लीव्स है उसका कलेक्टेड हीप देखा होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड. सो जो ड्राई लीव्स होती हैं उसको जनरली क्या कर देते हैं, जला देते हैं. Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of crop plant in their fields after harvesting. So harvesting के बाद crop plants का जो remnants बचता है उसको भी burn कर दिया जाता है, dry leaves को या फिर husk जो निकलता है cereals के बाद, तो उस सबको क्या कर देते हैं, burn कर देते हैं. Burning of these produces smoke and gases that are harmful to our health. सो अब ये सारी चीज़ें बर्न करने से क्या होता है कि हार्मफुल गैस रिलीज होती हैं एंड वो हार्मफुल गैस क्या है, हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो जाती हैं. वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस. तो हमें क्या करना है, ये बर्न करने वाली जो प्रैक्टिस है ना उसको कंट्रोल करना है, उसको रोकना है. दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इंटू यूजफुल कंपोस्ट. सो ये जो वेस्ट हैं जैसे ड्राई लीव्स हैं, प्लांट के पार्ट्स हैं, वो एक यूजफुल कंपोस्ट के फॉर्म में यूज किया जा सकता है. Here are some of the observation and thoughts. So, यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ thoughts noted by पहेली and बुझो from their project dealing with garbage. And ये thoughts उनको कहाँ से आए, जब वो project कर रहे थे dealing with garbage. So, बुझो noted in his notebook, do not burn leaves. You will not be able to tolerate the fumes. तो इसलिए यहाँ पर बुझो ने क्या नोट डाउन कर लिया, वो नोट्स बनाते हुए कि आपको लीव्स को बर्न क्यों नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, सफोकेशन होने लगेगा, उसके जो फ्यूम्स हैं वो टॉलरेट नहीं हो कर पाएंगे हम. नाउ पहेली सेइंग, पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, पहेली ने भी एक नोट बना लिया अपनी नोटबुक में. व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स एज अ थेफ्ट. सो इन केस अगर लीव्स का बर्न करने से सफोकेशन होता है, देन व्हाई लीव्स का बर्न जो है बर्न नहीं किया गया, अभी भी देखते हो आपकी लीव्स को तो बर्न कर दिया जाता है. नॉट थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मीन्ड इलीगल. सो उसका मतलब थेफ्ट नहीं था, मतलब चोरी नहीं है. क्या करना, जो लीव्स है उसको जला देना एक चोरी नहीं है, वो क्या है, इलीगल है. शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया. सो गवर्नमेंट को क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, या फिर ऐसी लॉ बना देना चाहिए कि ट्रीज को कट करना या फिर लीव्स को बर्न करना क्या है, इलीगल है. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग. अब हम ये देखते हैं वर्मी कंपोस्टिंग क्या है. हमने गार्बेज के साथ तो डील कर लिया, अब क्या आ जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग. वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट. सो हम प्लांट्स के फ्रेंड कैसे बन गए, हम उनको क्या सप्लाई कर रहे हैं, कंपोस्ट मैन्योर सप्लाई कर रहे हैं. वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्फ बाई मेकिंग कंपोस्ट. सो कंपोस्ट बना के सिर्फ हम सॉइल या क्रॉप की फ्रेंड्स नहीं बने हैं, उससे हम अपने भी अच्छे फ्रेंड्स बने. क्यों, क्योंकि कंपोस्ट जो है वो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है. टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड. सो अब जब फ्रेंड की बात हो ही रही है तो यहाँ पर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप और किसकी है, फार्मर अर्थवर्म एंड फार्मर की है. Let us find out how a type of earthworm called redworm is used for composting. So, कैसे एक earthworm का type होता है जो कि क्या है, redworm है, वो compost बनाने के लिए use किया जाता है. So, this method of preparing compost with the help of redworm is called vermicomposting. So, ये जो पूरी process है ना, जिसमें redworms क्या है, किससे बन रहे हैं, रेडवर्म्स क्या कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं,
एंड वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस क्या है, जो कंपोस्ट का प्रिपरेशन है. वी कैन ट्राई टू मेक मेन्यूर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल. सो ये वर्मी कंपोस्टिंग काफ़ी इजी प्रोसेस है, इसे स्कूल या घर पर भी ट्राई किया जा सकता है. एंड फिर उससे जो कंपोस्ट या मेन्यूर आएगा उसे आप अपने स्कूल या फिर होम के गार्डन में यूज कर सकते हो. अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी टू. लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. सो इसके लिए क्या करना है, या तो हमें ग्राउंड पर पिट बना देना है, नहीं तो इन वुडन बॉक्स को लेके ऐसी प्लेस पर रखना है जो कि ना बहुत ज़्यादा ठंड हो एंड ना बहुत गर्मी हो. What about a place which does not get direct sunlight? So, ऐसी कोई place जहाँ पर directly sunlight ना पहुँचे. So, let us now make a comfortable home for our red worms in the pit or the box. So, जो pit बनाया है या फिर box में क्या करना है, red worms के लिए होम बनाना है. एंड वो होम भी कैसा, कंफर्टेबल होम. इसके लिए क्या करेंगे, स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स. तो सबसे बॉटम पे जो चिकन मैश होती है उसको स्प्रेड करना है. चिकन मैश या नेट जो भी अवेलेबल हो वो स्प्रेड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 to 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव. एंड इनकेस नेट और चिकन मैश जो क्लॉथ होता है वो नहीं है, तो आप उसकी प्लेस पे क्या स्प्रेड कर सकते हो, सैंड. नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड. उसके ऊपर क्या करना है, सैंड के ऊपर या क्लॉथ के ऊपर की जो लेयर होगी, वो जो किचन वेस्ट होता है ना, जैसे वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील है, और उसके अलावा भी जो दूसरा किचन वेस्ट है वो सब यहाँ पर डालना है. वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीसेस ऑफ ड्राइड स्टॉक ऑफ प्लांट, हस्क और पीसेस ऑफ न्यूज पेपर और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड. तो सैंड के ऊपर की जो लेयर है उस पर स्प्रेड करने के लिए ग्रुप वन का जितना भी वेस्ट है ना वो भी हम डाल सकते हैं. हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पज. बट ये ध्यान रखना है कि जो कार्डबोर्ड या हम पेपर न्यूज़पेपर डाल रहे हैं तो उसमें जो शाइनी पेपर होता है या फिर कोटेड पेपर जो होता है, थोड़ा सा स्लिपरी वाला जो रहता है, वो यहाँ पर नहीं डालना है. Dried animal dung could also be used as a spread over sand or wire mesh. तो animal dung जो है वो dried अगर है तो वो भी use किया जा सकता है. Sprinkle some water to make this layer wet and sand के ऊपर ये जितना भी group one waste है उसको spread करके water sprinkle करना है. Take care not to use excess of water. अब ध्यान क्या रखना है कि बहुत ज़्यादा water use हम ना करें. To not press the layer of waste and waste की layer को है जो है उसे press ही नहीं करना है. Keep this layer loose so that it has sufficient air and moisture. So press क्यों नहीं करना है, जिससे कि उसमें loosely bind रहे. loosely bind रहने से क्या होगा, air and moisture जो है वो sufficiently present रहेगा. Now your pit is ready to welcome the रेड वर्म्स. अब उसमें क्या है, रेड वर्म्स हम डाल सकते हैं, उनके लिए कंफर्टेबल होम बन गया. बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट. सो कुछ रेड वर्म्स जो है वो पिट में डालना है. कवर देम लूजली विथ अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और अ लेयर ऑफ ग्रास. देन उसके बाद किससे कवर करना है, गनी बैग है या फिर क्लॉथ और ग्रास की लेयर से उस पूरे रेड वर्म की लेयर को कवर करना है. योर रेडवर्म नीड फूड. अब रेडवर्म्स को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए. यू कैन गिव देम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड और गार्डन. सो अर्थवर्म क्या क्या फूड कंज्यूम कर सकते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कॉफी रिमेन्स हैं एंड टी रिमेन्स जो होते हैं, वीड्स आते हैं जो गार्डन से, वो सब यूज कर सकते हैं. इट माइट बी a good idea to bury this food about 2 to 3 centimeter inside the pit. And ये जो food items हम डाल रहे हैं ना अर्थवर्म के लिए, वो एटलीस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर इनसाइड डालेंगे हम पिट में तो वो ज़्यादा बेटर होगा. टू नॉट यूज वेस्ट दैट मे कंटेन सॉल्ट, पिकल्स, ऑयल्स, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन एज फूड फॉर योर रेड वर्म्स.
सो इनमें और क्या प्रेजेंट हो सकता है? ऐसे वेस्ट हमें नहीं यूज करना जो जिनमें कि क्या हो, सॉल्ट हो या फिर पिकल्स हो, ऑयल है, विनेगर है, क्योंकि ये क्या होंगे, रेड बॉम का जो फूड है वो हार्मफुल हो जाएगा इन सब कॉम्पोनेंट से. If you put these things in the pit, disease-causing small organisms start growing in the pit. So, अगर हम ये components use करेंगे ना तो क्या होगा, क्या harmful रहेगा कि जो disease-causing organisms है ना वो grow करने लगेंगे उसमें. Once in a few days, gently mix and move the top layer of your pit. So, उसके बाद क्या करना है, जहाँ पर भी गार्बेज डाला था एंड जो अर्थवर्म की लेयर है उसको आपस में gently mix करना है, जिससे बीच में स्पेस भी रहे प्रॉपर मॉइस्चर एंड एयर के लिए. रेडवर्म्स डू नॉट हैव टीथ. अब रेडवर्म्स के क्या, टीथ तो है नहीं, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड. उनमें क्या होता है, गिजार्ड प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड. एंड उससे क्या हेल्प मिलती है, फूड ग्राइंड करने में. पावर्ड एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्स्ड विद द वेस्ट. अब जो पाउडर्ड एग शेल्स होती हैं या फिर सी शेल हैं वो क्या इस वेज के साथ वो भी मिक्स हो जाती हैं. दिस वुड हेल्प रेड वर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड. एंड उसकी शेल की हेल्प से क्या होता है, फूड इजीली ग्राइंड कर लेते हैं वो. अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे. सो अर्थवर्म जो है, रेड अर्थवर्म, वो क्या करता है, एक दिन में कितना फूड भी कंज्यूम कर सकता है जितना उसका वेट होता है. रेडवर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग. तो बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड बहुत ज़्यादा ठंड है तो रेडवर्म्स क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम. उन्हें क्या चाहिए, अपने सराउंडिंग में मॉइस्चर भी चाहिए. इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इट अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल बी डबल. सो अगर ये जो रेडवर्म्स है ना इनकी प्रॉपरली केयर की जाएगी तो ये क्या होगा, वन मंथ के टाइम में इनका नंबर जो है वो डबल हो जाएगा. ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 weeks. एंड जो पिट में कंटेंट्स थे ना उसको चेक करना है कब, 3-4 weeks के बाद. डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट. सो आपको क्या उस पिट में जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो कुछ सॉइल लाइक मटेरियल दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर फिर, कि योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी. पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट. मोस्ट ऑफ द वर्म विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट. तो अगर फिर आपने जब रेडी हो गया है तो क्या करेंगे, वर्म्स तो यूज में नहीं लेना है हमें, तो उस पिट के एक कॉर्नर पे फूड आइटम डाल देंगे. तो वो फूड आइटम जो है वो जो जितने भी रेडवर्म्स थे फिर सॉइल में वो कहाँ चले जाएंगे, उस फूड आइटम की तरफ चले जाएंगे. वेकेटिंग द अदर पार्ट्स, तो बाकी सारे पार्ट्स क्या खाली हो जाएंगे. रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स. योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज. तो उसमें से क्या करना है, कंपोस्ट को रिमूव करना है एंड उसे सन के अंदर ड्राई करना है. देन उसके बाद क्या होगा, जो वर्मी कंपोस्ट है वो रेडी हो गया यूज के लिए. The part left in the pit has most of the worm in it. So, जो पिट में फिर पार्ट बच रहा है ना उसमें बहुत सारे वर्म्स हो जाते हैं. You can use these for preparing more compost or share them with another user. तो वो किस लिए यूज होता है फिर, कंपोस्ट बनाने के लिए या फिर दूसरे यूजर्स के लिए वर्म जो है यूज में आ सकते हैं, कि किसी को डबल से अगर कंपोस्ट का फॉर्मेशन करना है तो. So use this excellent vermicompost in your pots, gardens or fields. So ये vermicompost कहाँ कहाँ use हो सकता है, जहाँ भी crop grow कर रहे हैं या फिर small scale पे gardening के लिए इसका use किया जा सकता है. Is this not like getting the best out of waste? So ये जो है waste garbage से compost ले रहे हैं, तो ये simply क्या हो जाएगा, best out of waste. जो waste material था उससे हमने क्या किया, एक useful material बना लिया. Those of you who have agricultural fields can try vermicomposting in large pits. So, जिनके यहाँ agricultural fields हैं तो वो क्या है, इसको vermicompost को large fields में, large area में देख सकते हो. You can save a lot of money that is present on buying expensive chemical fertilizers and manure from the market. अब क्या है, अगर आप वर्मी कंपोस्ट खुद से बनाओगे घर पे ही तो क्या होगा, उसमें कॉस्टिंग कम लगेगी.
एंड जो मार्केट से लेकर आओगे वो क्या है, एक्सपेंसिव होंगे एंड केमिकल फर्टिलाइजर होंगे. दैट इज वाई क्या है, हम मैन्योर का यूज कर सकते हैं जो कि किससे बन रहा है, वेस्ट मटेरियल से बन रहा है. तो किसका यूज प्रेफर करना है, मैन्योर या कंपोस्ट का. अब नेक्स्ट टॉपिक है थिंक एंड थ्रो. दैट मीन्स कि थ्रो करने से पहले कोई भी चीज, कहाँ थ्रो कर रहे हो, थ्रो करने की जरूरत है उसे या नहीं, ये हमें सोच लेना चाहिए. तो देखते हैं अब आगे, हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे. सो हर एक घर से कितना गार्बेज पर डे में एक्सट्रैक्ट होता है, फेंका जाता है. यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेजर. सो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक बकेट को हम मेजर के उसमें ले लें कि पूरा जो वेस्ट है, गार्बेज है, उसको क्या करना है, बकेट में कलेक्ट करते जाना है एंड उसको फिर डंप करना है. तो याद रहेगा कि कितना बकेट आपने डंप किया. यूज 5 to 10 liter बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम. तो क्या करना है, बकेट का साइज जो है वो 5 to 10 liter हो, जो कि क्या करेगी, हमारे घरों से गार्बेज को कलेक्ट करेगी. इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल. सो बकेट जो है वो कितने दिन में पूरा फिल हो जाती है गार्बेज से. यू नो द नंबर ऑफ मेम्बर्स इन योर फैमिली. सो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स तो पता है कितने हैं. इफ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी और टाउन. सो इनकेस अगर आपको पता चल जाए कि आपकी सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, सो फिर क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पर डे कितना गार्बेज जो है वो कितना बकेट ऑफ गार्बेज निकलता है. वी आर जनरेटिंग माउंटेन ऑफ गार्बेज एवरी डे इजंट इट. सो हम कितना अमाउंट ऑफ गार्बेज जो वेस्ट रिमूव कर रहे हैं, जनरेट हो रहा है, वो कितना अबाउट अ माउंटेन. अगर उसका हीप बनाया जाए पूरा गार्बेज कलेक्ट करके, वो एक माउंटेन टाइप बन जाएगा. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम. सो एक स्टोरी है जहाँ पर एक विलेज में क्या है ना, गार्बेज बहुत कम है एंड वहाँ के लोग जो है वो बहुत वाइज हैं. तो नानू स्टडीज इन क्लास 6, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स. सो नानू ने क्या है, क्लास 6 में पढ़ा है कि उसको पेपर प्लेन्स बनाना बहुत पसंद है. हिज नानू जो है वो क्लास 6 का स्टूडेंट है एंड वो क्या है, पेपर बनाना, उसको पेपर प्लेन्स बनाना बहुत अच्छा लगता है. सो हिज मदर इज वेरी अनॉयड व्हेन ही टर्न्स ऑफ शीट फ्रॉम न्यू नोटबुक्स टू मेक एरोप्लेन्स, बट नानू डज नॉट केयर. सो क्या है, वहाँ उसको क्या है, पेपर प्लेन्स बनाना अच्छा लगता है, तो वो डेली अपने न्यू कॉपी से, न्यू नोटबुक से पेज टियर कर लेता है, निकाल लेता है एंड उसे एरोप्लेन बनाता है. सो उसकी मदर ना इस चीज़ से बहुत परेशान है. वंस नानू वेंट टू हिज आंट्स विलेज अलोंग विद हिज मदर. ही वॉज अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ थिंग्स हिज कजिन श्याम हैड मेड. सो जब वो नानू एक बार अपने आंट के विलेज पे गया अपनी मदर के साथ, सो वो देख के अमेज रह गया कि उसका कजिन जो है श्याम, उसे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई हुई थी. फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स, मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, बास्केट्स फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग वर सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक. उसने बहुत सारे आइटम्स बनाए थे जिसमें कुछ कॉमन और जो नानू को भी अच्छे लगे वो क्या थे, उसने जो ओल्ड चार्ट्स होते हैं ना उसका यूज़ करके फाइल बना ली थी. फिर ग्रीटिंग कार्ड्स को किससे डेकोरेट किया, जो पेंसिल शार्पनिंग होती है उससे उसके फ्लावर बना के. देन क्लोथ्स जो होते हैं ओल्ड, उससे वेरियस टाइप के मैट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो बना के किया, या फिर ओल्ड क्लोथ से बैग बना के. सो ये काफ़ी सारी चीज़ें उसने वहाँ पर देखी. श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड्स. और श्याम ने एक और चीज़ क्या की, जो इनविटेशन कार्ड्स आते हैं ना उसके ही हेल्प से एक डायरी भी बनाई. वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर नानी. ही सॉ दैट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट. सो एक दिन मॉर्निंग में क्या हुआ ना कि नानू उन्हीं ग्रैंड मदर को देख रहा था. वो क्या कर रही थी, वो बास्केट के ऊपर एक थिक पेस्ट लगा रही थी. सो उसने अपनी नानी से पूछा, वॉट आर यू डूइंग, वॉट इज दिस पेस्ट. सो आप क्या कर रहे हो एंड ये पेस्ट क्या है. सो दिस इज पेपर मैश, अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच
I have also mixed some rice husk. तो उसने उन्होंने क्या बोला कि पेपर मैश है एंड कैसे बनाइए ये मीट बन ये जो मैश है ये बना किससे पेपर एंड क्ले से एंड इसमें और क्या मिक्स कर दिया उन्होंने राइस की हस्क ऐड कर दी बट व्हाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट सो अब आपने बनाया है तो उसको बास्केट में क्यों डाल रहे हो नानू फिर से क्वेश्चन पूछता है टू मेक इट स्ट्रॉन्गर सो उसकी ग्रैंडमदर क्या आंसर देती है कि ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा said nani and added would you like to learn this from me so उन्होंने बोला कि ये strong बनेगा and वो फिर पूछती है किसे नानू को कि आपको भी ये बनाना सीखना है so नानू was not very keen and ran outside to play so उसको बिल्कुल भी interest नहीं आया है वो बाहर खेलने चला गया he was only interested in tearing up papers to make planes so उसका interest सिर्फ किस में था उसका सिर्फ interest था plane बनाने में and उसके लिए paper टियर करने में इन फैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टियरिंग अप पेपर्स फ्रॉम श्याम्स फाइल तो श्याम की जो फाइल थी ना उसमें से भी वो पेपर निकाल के पेपर प्लेन्स बनाने लगा श्याम कलेक्टेड ऑल द पीसेज ऑफ पेपर्स नानू हैड यूज्ड वंडरिंग what to do about him he just did not listen to anyone so श्याम ने क्या किया सारे पीसेज को कलेक्ट किया जिनसे कि एरोप्लेन बनाया हुआ था नानू ने एंड वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो गया कि इसका क्या किया जाए ये तो किसी का सुनता ही नहीं है इट वॉज नानूज बर्थडे इन अ फ्यू डेज सो कुछ दिन बाद क्या था नानू का बर्थडे आने वाला था श्याम प्लान टू इनवाइट नानूज फ्रेंड तो श्याम ने क्या प्लान किया कि उसके फ्रेंड्स को बुलाया जाए नानू टुक आउट मंकी फ्रॉम हिज मड पॉट नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट तो नानू क्या किया उसका जो पिगी बैंक होता है ना मड पॉट था उसमें से मनी निकाला एंड मार्केट चला गया ही बॉट सम पेपर हैट्स फॉर हिज फ्रेंड्स एंड वो क्या लेकर आया अपने फ्रेंड्स के लिए पेपर हैट्स जो कि बर्थडे कैप्स होते हैं ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथिन बैग टू कीप द हैट्स एंड फिर उसने पेपर हैट्स लेने के बाद क्या किया शॉपकीपर से जब पूछा पॉलीथिन बैग के लिए सो हु कैन हिम अ पेपर बैग इंस्टीड ऑफ पॉलीथिन तो उस शॉपकीपर ने क्या किया नानू को पेपर बैग दे दिया पॉलीथिन बैग की प्लेस पे सो नानू ऑल्सो बॉट मेनी अदर आइटम्स लाइक बिस्किट एंड टॉफीज सो नानू उस पेपर कैप के अलावा और भी सामान लेकर आया ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव अ पॉलीथिन बैग सो उसको ये सारा सामान कैरी करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी एंड वो डिफिकल्टी क्यों हो रही थी कि कोई भी शॉपकीपर जो था वो पॉलीथिन बैग देने के लिए रेडी नहीं था श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लॉथ बैग विथ हिम एंड ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम सो श्याम ने उसको जाते टाइम इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि क्या करना है क्लॉथ बैग लेकर जाना बट वो तो किसी की सुनता नहीं है दैट इज वाई वो क्या कर रहा था रिग्रेट कर रहा था somehow he managed to reach home with all his purchase so kya hua fir ultimately wo ghar pahuncha kaise kaise and sare purchase leke gaya ghar wo nanu's friend enjoyed the feast on his birthday and played many games to jab nanu ki friends uske birthday par aaye so unhone kya kiya feast jo food bana hua tha usko bahut enjoy kiya and bahut games khele All his friends wore the shiny paper hats Nanu had bought and सारे ही फ्रेंड्स क्या पहने हुए थे हेड पे जो शाइनी हैड वो बर्थडे हैड लेकर आया था सब ने वो पहनी हुई थी श्याम हैड मेड ब्यूटिफुल पेपर मैश मास्क फॉर नानूज फ्रेंड एंड श्याम ने क्या किया पेपर मैश से मास्क भी बनाया था नानू के फ्रेंड्स के लिए He had a special gift for Nanu as well and even उसने नानू के लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट लिया था A photo frame and a greeting card made from the paste of all the pieces of paper Nanu had thrown away. So उसकी फाइल से श्याम की फाइल से जो नानू ने पेपर टियर करके फेंक दिए थे ना उन सारे पीसेस की हेल्प से ही श्याम ने क्या किया एक फोटो फ्रेम बनाया एंड एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू एंड ये जो एक्सपीरियंस था ना कि उसे गिफ्ट में किसी ने ऐसी चीज़ दी हो बहुत न्यू था All his friends went home with their mask. और उसके सारे friends क्या थे Mask लगा के गए जो कि श्याम ने बनाया था Nanu was too excited to finish his meal and look at his
गिफ्ट। सो नानू बहुत एक्साइटेड था किस लिए, अब जो उसके बर्थडे पे मील बनी हुई थी एंड उसके जो गिफ्ट्स आए थे वो देखना था उसको। तो नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडे ओवर, एंड उसके बाद क्या हुआ, नानू के हॉलीडेज ओवर हो गए एंड वो घर आ गया। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम श्याम्स विलेज। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जो नानू का टाउन है वो श्याम की विलेज से कितना डिफरेंट है। देयर वर मोर रैग पिकर्स इन द विलेज एज इट वॉज नीट एंड क्लीन। मतलब वो विलेज इतना अच्छा है कि वहाँ पर ये जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले लोग होते ना वो भी नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर बहुत नीटनेस एंड क्लीनिनेस थी। बट नाउ ही स्टॉप मेकिंग फेसेस वेन ही सॉ द रैग्स पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस। बट अब तक वो इतना मेच्योर हो गया था कि वो जो रैग के पीसेस कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं ना उसको देख के वो फनी फेसेस नहीं बनाता। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रंस सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और एट अदर प्लेसेस। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कई सारे बच्चे भी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, क्या जो गार्बेज है उसको अलग अलग पार्ट्स में सॉर्ट कर रहे हैं। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज। अब क्या है, इसके लिए चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व करना है पर कि कैसे वो वर्क में जो गार्बेज है उसमें से मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं, अलग अलग मटेरियल जो प्रेजेंट होता है। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। सो वो क्या है, सेपरेट क्यों कर रहे हैं, उनको खुद को ही उसमें से काम की चीज़ जो मिलेगी वो रखना है, बट अल्टीमेटली वो हमारी हेल्प भी कर देते हैं, क्योंकि गार्बेज को अलग अलग अगर सेपरेट हो जाएगा तो जो भी गार्बेज कलेक्ट करने आएगा वो दोनों टाइप के वेस्ट को अलग अलग पुट कर सकता है अपने वैन में या ट्रक में। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट। सो अब ये जो बच्चे गार्बेज को सेपरेट कर रहे थे ना उनमें से एक से बात कर रहे हैं। वॉट डू दे डू विथ द रबिश दे कलेक्ट, वेयर डू दे टेक इट। वो जो रबिश है गार्बेज है उसका वो क्या करते हैं, क्यों कलेक्ट करते हैं एंड कलेक्ट करने के बाद कहाँ ले जाते हैं। डज ही शी गो टू स्कूल, सो वो क्या स्कूल भी जाते हैं। वॉट अबाउट हिज फ्रेंड हिज हर फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स के बारे में पूछा। इफ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन, अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाते। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, तो क्या यहाँ पर जो बच्चा है उसको लिखने एंड पढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज पेपर्स ग्लास एंड मेटल थिंग्स प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक्स टू आ गार्बेज डीलर। सो कभी क्या किया आपने, ये जो जितना भी वेस्ट है न्यूज़पेपर है ग्लास मेटल थिंग्स ये सब चीज़ें जो हैं इसको ओल्ड नोटबुक हैं, तो ये कभी गार्बेज डीलर को सेल करने की कोशिश किया है। व्हेन ही व्हाट ही डज विथ ऑल द गार्बेज, अब उसने बाकी क्या किया अपने पूरे गार्बेज के साथ। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, लेट अस लर्न टू डू दिस। तो क्या किया उसने, जितना भी पेपर था डिस्कार्डेड पेपर जो थे ना, जैसे कि श्याम ने उसको यूज़ कर लिया था तो इसने भी क्या किया उन पेपर्स को यूज़ कर लिया कहीं ना कहीं। लेट अस लर्न टू डू दिस, अब वो पेपर का कैसे यूज़ किया जाता है ये हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। सो नाउ वॉट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर रिसाइकिल कैसे हो रहा है एंड ये क्या प्रोसेस होती है, तो ये देखते हैं हम यहाँ पर। You will require piece of old newspapers, magazines, used envelopes, notebooks or any other paper. तो इसके लिए क्या चाहिए, जो भी वेस्ट पेपर है newspaper, magazines, envelopes, तो वो कोई भी पेपर जो है वो इसके लिए रिक्वायरमेंट है। Do not use shiny plastic coated paper, but कौन सा पेपर बस नहीं यूज़ करना जिसपे प्लास्टिक कोटिंग होती है। You will also need a frame fitted with a wire mesh or a net. So, इसके लिए और क्या चाहिए, एक फ्रेम जिसमें कि वायर मेश या नेट फिट हो। You can also use a large sized sieve in place of a frame. तो इनकेस अगर ये फ्रेम नहीं है तो इसकी प्लेस में और क्या यूज़ कर सकते हैं, लार्ज साइज की जो सीव होती है ना, सीविंग सेपरेशन प्रोसेस में काम में आती है। Tear the paper into small pieces. Put them in a tub or a bucket and pour water in it. So, जो पेपर पीसेस हैं उसको टब में रखना है एंड उसमें वाटर पोर कर देना है।
लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज इन वाटर फॉर अ डे. अब वो जो पेपर के पीस हैं वो एटलीस्ट एक दिन तक उनको सबमर्ज रहने देना है वाटर में ही. मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इन इट. अब उसमें क्या करना है, पेपर को जो पूरा तरीके से और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उसका एक पेस्ट बना लेना है. नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड टू द फ्रेम. फिर जो फ्रेम या फिर हम बोल सकते हैं वायर मैश या सीव जो है उसके ऊपर इस पेपर के पेस्ट को पूरी तरह स्प्रेड करना है. पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल. उसके बाद उसको इतना पतला स्प्रेड कर देना है लेयर एंड वो यूनिफॉर्म रहे. वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ एंड तब तक वेट करना है जब तक वाटर जो वो कम्प्लीटली ड्रेन ऑफ ना हो जाए. If required, spread an old cloth or sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water. तो extra water soak करने के लिए इनकेस अगर लगाना है तो क्या लगा सकते हैं, कोई cloth piece या फिर newspaper. Now, carefully remove the layer of paste from the frame. अब उस फ्रेम से जब जो paste था उससे water पूरा remove हो जाएगा तो उसको properly and केयरफुली निकालना है. स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन एंड उसको एक पेपर शीट पे रख के सन में रखना है. कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप. सो कॉर्नर्स जो होते हैं ना वो कर्ल ना हो इसलिए वहाँ पर वेट रखना है. कैन यू ऐड फूड कलर. You can add food color, pieces of dry leaves or flower petals or pieces of colored paper in the paste before spreading it. So, सिर्फ spread करने से पहले हम ये extra element कुछ भी add कर सकते हैं, whether it is food color, pieces of flower petals, leaves or colored paper. It would help you to get a recycled paper with beautiful patterns on it. So, इसे क्या मिलेगा, रिसाइकल पेपर तो मिलेगा बट उसमें भी क्या है, ब्यूटिफुल पैटर्न्स बनी हुई है. कैन वी रिसाइकिल एवरी थिंग जस्ट एज वी रिसाइकिल पेपर. सो पेपर को जितना ईजीली रिसाइकिल किया ऐसे बाकी कुछ एक गार्बेज या वेस्ट है वो भी इतना ईजीली रिसाइकिल हो सकता है क्या. सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या, प्लास्टिक बून और अ कर्स. सो प्लास्टिक्स जो है वो बून है, दैट मीन्स कि यूजफुल है या फिर कर्स है, बेकार है सोसाइटी के लिए. तो दोनों ही हैं क्योंकि प्लास्टिक अगर नहीं है तो काफ़ी सारी फूड आइटम्स जो हैं वो पेपर में पैक होके नहीं आ सकते हैं, वो प्लास्टिक या फिर पॉलीथिन में ही आ सकते हैं पैक होके. अब कर्स कैसे है कि प्लास्टिक और जो पॉलीथिन्स हैं वो काफ़ी ईयर्स तक डिग्रेड नहीं होते हैं. एंड डिग्रेड नहीं होने की वजह से ही क्या हो जाता है उनमें, वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो इसलिए हम देखते हैं बहुत डिटेल में कि बून और कर्स क्या है. सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल बट नॉट ऑल ऑफ देम. सो कुछ टाइप का जो प्लास्टिक है वो तो रिसाइकल हो जाता है पर सारा जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल नहीं होता. डिड यू नोटिस दैट पॉलीथिन बैग एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी वन. सो एक्टिविटी वन में हमने क्या देखा कि कुछ प्लास्टिक ऐसा है वो रॉट नहीं होता. You might now easily understand why polythene bags create a big problem in garbage disposal. तो अभी क्लियर है कि पॉलीथीन बैग्स जो है वो हार्मफुल होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, दैट इज़ वाई वो garbage disposal में एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन अवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स. बट ये भी है एक ट्रूथ कि प्लास्टिक के बिना हमें अपनी लाइफ अज्यूम करना भी बहुत डिफिकल्ट है. शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. तो यहाँ पर हम कोई नेम लिख सकते हैं क्या चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि प्लास्टिक से बनी हुई हैं और हम यूज़ करते हैं. शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. सो एग्जाम्पल क्या है इसके, टॉयज हैं, शूज है, बैग्स, पेंस, कॉम्ब्स, टूथब्रश, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप. काफ़ी कुछ जो है वो किससे बन रहा है, प्लास्टिक से बन रहा है. द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग और ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि किससे बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड अ स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. सो क्या है, अब कार्स में या बसेस में हैंडल्स जो होते हैं या फिर बसेस में जो चेयर्स हैं या फिर बैठने के लिए होता है वहाँ पर प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं. रेडियो की बॉडी प्लास्टिक की होती है, टेलीविजन की बॉडी भी काफ़ी बार क्या है, प्लास्टिक की रहेगी या फिर स्टैंड प्लास्टिक का रहता है.
फ्रिज के इंटीरियर में जो स्टैंड्स होते हैं वो काफ़ी सारे हैं प्लास्टिक के रहते हैं, तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से ही बन रही हैं. द यूज ऑफ प्लास्टिक इन इट सेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन वी यूज प्लास्टिक एक्सेसिवली. तो अगर थोड़ा बहुत प्लास्टिक यूज करें वो बेकार नहीं है, बट अगर प्लास्टिक का यूज़ जो है वो एक्सेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, सो एंड आर इग्नोरेंट अबाउट द वेज ऑफ डिस्पोजिंग देयर वेस्ट. और हम क्या है प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं बट उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करना है ये ध्यान ना दें. तो दिस इज वॉट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस. तो यही हमारे सराउंडिंग में हो रहा है. वी माइट इवन बाय बी एक्टिंग इरिस्पॉन्सिबली नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट. सो हम क्या है इरिस्पॉन्सिबल थोड़ा सा तो एक्ट कर भी रहे हैं, हमें कंसिक्वेंसेस पता है, स्टिल क्या है हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं. वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक फूड आइटम्स. समटाइम्स दीज माइट मे नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स. सो प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं कोई भी फूड आइटम स्टोर करने के लिए या फिर बाय करने के टाइम पे. तो उसमें क्या है ना, प्लास्टिक में फूड आइटम रखना जो है वो सुटेबल नहीं है. कंज्यूमिंग फूड पैकेट इन सच प्लास्टिक बैग कैन नॉट बी हार्मफुल टू अवर, कुड बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ. तो ऐसे फूड आइटम्स जो कि प्लास्टिक कवरिंग में आते हैं, प्लास्टिक के बॉक्सेस में आते हैं, वो क्या है कंज्यूम करना हार्मफुल हो सकता है. Many a time, shopkeeper use plastic bags that have been used earlier for some other purpose. तो generally shopkeeper है वो कौन से plastic bags देते हैं जो पहले use कर लिए हैं, वो भी plastic bags देखते हैं. Sometimes bags collected by rag pickers are also used after washing them. अब जो rag pickers होते हैं वो waste material में से separate कर लेते हैं material and वो जो plastic bag है वो वॉश करके सेल कर देते हैं. समटाइम्स यूज ऑफ सच रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ. तो इस टाइप से जो रिसाइकलेबल प्लास्टिक होता है ना वो हार्मफुल होता है किसके लिए, फूड सब्सटेंसेस रखने के लिए. फॉर सॉर्टिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच अ यूज. तो ईटेबल्स को सॉर्ट करने के लिए हम क्या है प्लास्टिक का यूज़ कई बार करते हैं, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं कि अलग अलग सामान रखना है उसके लिए. सो ये अप्रूव है या फिर नहीं है या फिर ये भी इलीगल है. ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेस. तो जितने भी प्लास्टिक हैं वो क्या रिलीज करते हैं, हार्मफुल गैसेज रिलीज करते हैं अपॉन हीटिंग और बर्निंग. या तो वो हीट हो रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, सो क्या है वो हार्मफुल गैसेज रिमूव करेंगे. दीज गैसेज में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर्स इन ह्यूमन्स. सो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है ह्यूमन्स में. द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक. तो गवर्नमेंट ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए भी कुछ गाइडलाइंस सेटअप की हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड पेन थ्रो इट अवे. तो लोग क्या करते हैं प्लास्टिक बैग में गार्बेज कलेक्ट करते हैं, उसको फेंक देते हैं. वेन स्ट्रे एनिमल्स लुक फॉर फूड इन दीज बैग्स दे एंड अप स्वॉलोइंग दीज. सो अब जो एनिमल्स हैं उनको तो पता नहीं है स्ट्रे एनिमल्स, वो तो जहाँ उनको फूड दिखेगा वहाँ पर वो लुक जाएंगे. समटाइम्स दे डाई ड्यू टू दिस. अब वो फूड क्या है वो ये नहीं देखते कि अच्छा है हार्मफुल है तो नहीं है, वो तो उनको जो फूड दिखा वो उन्होंने अपना एनर्जी फुलफिल करने के लिए कंज्यूम कर लिया. बट कई बार जब इसमें इस टाइप के वेस्ट होता है ना तो वो एनिमल्स के लिए क्या है हार्मफुल हो जाता है. द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट इन टू ड्रेन एंड द सीवर सिस्टम. सो जो प्लास्टिक बैग्स हैं ऐसे ही केयरलेसली रोड पर फेंक दिए जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं ड्रेन्स में या फिर सीवर सिस्टम में. अब प्लास्टिक बैग्स क्या है, डिकम्पोज तो हो नहीं रहे, खराब तो सड़ तो रहे नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो डिसअपीयर नहीं हो रहे. तो उससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट ड्रेन्स गेट चॉक्ड एंड द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड्स. तो ड्रेन्स चॉक हो जाती हैं एंड वाटर जो है वो रोड्स पे आ जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है ड्रेन्स में से वाटर.
during heavy rains, it might even create a flood-like situations. And जब heavy rains होती हैं उस time पे क्या होता है? इसी situation की वजह से floods आ जाते हैं. There is a lot of harm that too much use of plastics can do. And और भी बहुत सारा harm है जो कि ज़्यादा plastic के use करने से हो सकता है. अब now what can we do to minimize overuse of plastic and deal with garbage? तो हम प्लास्टिक का ओवर यूज को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. वी री यूज द बैग्स व्हेनेवर इट इज पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट. सो सबसे मेन चीज तो क्या है यहाँ पर, तो दिया है कि कम से कम यूज करना है प्लास्टिक बैग्स का. एंड इवन सबसे बेस्ट क्या है, क्लॉथ बैग का यूज करना है. कि आप कहीं भी जा रहे हो तो क्लॉथ बैग जो है लेकर जाओ. Second is, we insist shopkeeper use paper bags. We carry a cloth or a jute bag when we go out for shopping. So, shopkeepers को भी क्या use करना चाहिए, paper bag. And even आप जब market जा रहे हो shopping के लिए, so आपको भी क्या करके लेके जाना चाहिए, carry एक cloth bag या फिर jute bag. Third one is, we do not use plastic bags to store eatables. And जो food items हैं उसको store करने के लिए plastic bag use नहीं करना है. We never burn plastic bags and other plastic items. क्या है, plastic bag को burn नहीं करना है. We do not put garbage in plastic bags and throw it away. So garbage को plastic bag में डाल के नहीं फेंकना, उसको directly डस्टबिन में डालना है जहाँ पर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के लिए अलग अलग डस्टबिन है. वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ अवर किचन वेस्ट सक्सेसफुली. उसके बाद क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग इम्प्लीमेंट करना है. एंड उसका उससे क्या होगा, दो बेनिफिट है. एक तो कंपोस्ट या मैन्योर मिलेगा जो आप गार्डन में यूज कर सकते हो. एंड सेकेंड क्या हो जाएगा कि जो वेस्ट हो रहा है उसको ईजिली और प्रॉपरली रिसाइकिल हो रहा है यूजफुल वे में. Then next is we recycle paper. Paper जो waste होता है उसको भी recycle कर लेना चाहिए. We use both sides of the paper to write. अब paper का क्या है, दोनों side use करना चाहिए लिखने के लिए, not a single side. We use a slate for rough work. Rough work के लिए slate use करो, उससे क्या होगा ना, आपने rough work किया उसके बाद erase कर दोगे. We use blank sheets of paper left in our notebook for rough work. So रफ वर्क के लिए या फिर जो बेकार शीट्स होते हैं या बेकार पेपर होते हैं ना जो लेफ्ट हो जाते हैं अपने लास्ट ईयर की नोटबुक से, उनका यूज करना है. वी मेक अवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट. अब ये जो अलग अलग टाइप का वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने के लिए कुछ मेथड्स या प्रैक्टिस जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करना चाहिए. Think about some more ways to minimize overuse of plastics and discuss. तो इसके अलावा प्लास्टिक और क्या यूजेस हैं या फिर मिस यूजेस हैं जिसके लिए हमें क्या करना है, उसका ओवर यूज को मिनिमाइज करना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इट इज दैट मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट. तो जितना ज़्यादा गार्बेज बन जाएगा उतना ही डिफिकल्ट होगा उससे छुटकारा पाना. That is why हमें क्या करना है, garbage को कम से कम generate करना है and clean society को maintain रखना है. अब इस chapter में हमने क्या पढ़ा कि garbage से कैसे deal कर रहे हैं, कैसे उसको lands में fill कर दिया जाता है and over the time 20 years के बाद जो भी degradable, biodegradable waste है वो degrade हो जाता है. देन उसके बाद क्या है, प्लास्टिक जो है वो बोन है या कर्ज है, कितना हार्मफुल है प्लास्टिक. सो ये सारा कुछ जो हमने चैप्टर में पढ़ा, अभी देखते हैं क्या इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेडवर्म्स. सो कौन सा जो वेस्ट है, गार्बेज है, जो कि रेड अर्थवर्म्स क्या कर नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं एंड कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो जिस भी गार्बेज में ना पॉलीथिन बैग्स होंगी, प्लास्टिक मटेरियल होगा, मेटल्स होंगे या ग्लास होंगे, वाला जो गार्बेज है उसको अर्थवर्म्स या रेड वर्म जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. सेकेंड वन इज हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स बिसाइड रेड वर्म्स इन योर पेट्स. If yours, try to find out their names. Draw a picture of these.
सो ये रेडवर्म्स के अलावा और भी क्या है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स हैं. सो ये क्या करते हैं, सॉइल में ही इनका घर होता है. इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं एंड गार्बेज को डिके करने में हेल्प करते हैं एंड उस गार्बेज में फिर स्मेल भी नहीं आती अगर वहाँ पर बैक्टीरिया की प्रेजेंस है. सो सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट. तो गार्बेज डिस्पोजल जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? तो आंसर विल बी नो. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर एक सिटीजन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. वी शुड रिड्यूस एक्टिविटीज दैट पॉल्यूट एनवायरनमेंट. हमें क्या करना है, जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं ऐसी एक्टिविटीज को कम करना है एंड गार्बेज को स्ट्रीट्स, रोड्स एंड पार्क्स में नहीं फेंकना. कहाँ फेंकना है हमें, कहाँ थ्रो करना है, डस्टबिन्स में. एंड और क्या रिड्यूस करना है, पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये सारी जो डिकम्पोज नहीं होती हैं चीज़ें उनको भी, उनका यूज भी क्या करना है, कम करना है. एंड वेस्ट का प्रोडक्शन सिंपली हम कम करेंगे जिससे हम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी को क्लीन रखने में. सेकेंड इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. सो अब जो गार्बेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस किया जा सकता है क्या? सो यस इट इज पॉसिबल कि जो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्शन है उसको कम करना है. जो कुछ टाइप का वेस्ट है रीयूजेबल है तो उसे रीयूज करना है. प्लास्टिक बैग्स के यूज को अवॉइड करना है. पेपर बैग का यूज को प्रमोट करना है. एंड ये जो साइकिल रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको सेपरेट बिन्स में या सेपरेट डस्टबिन होते हैं उसमें रखना चाहिए. क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट डू यू डू विथ द लेफ्ट ओवर फूड एट होम. सो जो लेफ्ट ओवर फूड होता है उसका आप क्या कर सकते हो? सो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट पिट में डंप कर सकते हैं जहाँ पर मैन्योर बनता है. तो वो जो फूड है वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, मैन्योर में. एंड उसको फिर सॉइल में ऐड करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और अ बनाना लीफ प्लेटर एट अ पार्टी विच वन वुड यू प्रिफर एंड व्हाई. सो आपके एंड आपके फ्रेंड को चॉइस दी जाए कि आप एक पार्टी में फूड के लिए, फूड को सर्व करने के लिए आप बनाना प्लेट लेना चाहोगे या फिर प्लास्टिक प्लेट. सो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि बनाना लीफ प्लेटर. वो क्यों? बिकॉज वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है एंड उसको फिर कंपोस्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. और ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लास्टिक प्लेट का यूज करते हैं तो उस पर जो हम फूड कंज्यूम करेंगे तो वो भी हार्मफुल हो जाएगा. एंड क्योंकि प्लास्टिक किससे बन रहा है, प्लेट जो है उसमें केमिकल्स भी डले हुए हैं. एंड सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका कि उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एंड वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करेगी. दैट इज़ वाई किसका यूज प्रेफरेबल है, बनाना लीफ प्लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड. सो पेपर के अलग अलग टाइप के पीसेस कलेक्ट करना है एंड ये देखना है कि कौन सा पेपर जो है वो रिसाइकल हो सकता है. तो जितने भी पेपर्स हैं ना एक्सेप्ट द शाइनी कोटिंग पेपर, सारे ही रिसाइकलेबल हैं. नेक्स्ट इज विथ द हेल्प ऑफ अ लेंस लुक एट द पीस ऑफ पेपर यू कलेक्टेड फॉर द अबव क्वेश्चन. डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकल पेपर एंड द न्यू शीट ऑफ पेपर. सो क्या होगा, जो रिसाइकल पेपर होगा ना उसकी सर्फेस थोड़ी सी रफ होगी एंड जो न्यू पेपर होता है उसमें क्या होता है, सरफेस जो है वो स्मूथ होती है. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों के कॉम्पोनेंट सेम है बट सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाता है, सरफेस का, दैट मीन्स की शाइनिंग का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फिफ्थ, कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप्स. सो इसमें क्या करना है आपको, पैकेजिंग मटेरियल्स जो है वो डिफरेंट वो कलेक्ट करना है एंड हर एक का पर्पस क्या है कि किस आइटम को पैकेज करने के लिए वो मटेरियल यूज़ किया हुआ है. सो क्या क्या पैकेजिंग मटेरियल्स यूज होते हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, थर्मोकोल शीट्स होते हैं, फॉर्म शीट्स हैं, पेपर बैग्स हैं, ये सारे पैकेजिंग मटेरियल जो हैं वो यूज़ होते हैं. एंड ये क्यों यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स है या फिर फूड आइटम्स जो हम मार्केट से लेते हैं या दूसरा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है उसको पैक करने, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए
यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप के पैकेजिंग मटेरियल्स. फाइन, नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग मटेरियल कुड हैव बीन रिड्यूस. अब हमें एग्जाम्पल बताना है कि कैसे हम पैकेजिंग मटेरियल का यूज जो है वो कम कर सकते हैं. सो जैसे अब कुछ पैकेजिंग आइटम्स हैं, गिफ्ट पैक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, सो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैक्ड आते हैं, मतलब डबल ट्रिपल रैपर्स में आते हैं. सो उसको कम करके हम क्या कर सकते हैं, पैकेजिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. देन थर्ड इज राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गार्बेज. सो हमें यहाँ बताना है कि पैकेजिंग कैसे गार्बेज का अमाउंट को इंक्रीज कर रही है. सो काफ़ी बार क्या देखा जाता है कि अननेसेसरी पैकिंग जो है ना वो गार्बेज का अमाउंट इंक्रीज करती है. अननेसेसरी पैकिंग से मतलब क्या है कि कई बार आप कोई भी पैकेज खोलते हो ना उसमें डबल ट्रिपल रैपिंग्स होती हैं. सो वो क्या हो गई, अननेसेसरी पैकिंग है. एंड उसको हम क्या डायरेक्टली थ्रो कर देते हैं, यूज़ भी नहीं करते हैं. कई बार तो अगर आप रोड पर होते हो, स्ट्रीट्स में होते हो, तो वहीं पर वो पैकेजिंग जो मटेरियल है उसको वहीं डिस्पोज कर देते हो. सो वो क्या हो जाता है ना, वहीं डंप करने के बाद वो इजीली डिग्रेड नहीं होता है, तो कहीं ड्रेन्स में चला गया या किसी एनिमल ने खा लिया, तो वो एक हार्मफुल चीज़ हो जाती है. एंड उससे क्या हो रहा है, एक और चीज़, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो रहा है इस टाइप के पैकेजिंग मटेरियल से. ड्रेन्स में जाने से वाटर फ्लो ब्लॉक हो रहा है, जिससे ड्रेन्स ओवरफ्लो हो जाते हैं. तो ये सारा जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कॉज होती हैं. दैट इज़ वाई अब वो सारी प्रॉब्लम्स पर आपको लिखना है क्या क्या, जैसे ड्रेन्स में चले गए तो स्टैग्नेशन हो रहा है, सॉइल में जा रहे हैं तो सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, एंड ईजिली डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे तो वो बहुत टाइम तक सॉइल में ही रहेंगे, जिससे कि सॉइल के ऑर्गेनिजम्स को एंड इनकेस एनिमल्स ने खा लिया तो उनको हार्म करेंगे. दैट इज़ वाई जो गार्बेज उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना ज़रूरी है. एंड अब बहुत ज़्यादा गार्बेज ना कलेक्ट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा गार्बेज होगा उसको डिस्पोज करने में भी तो टाइम लगेगा या फिर डिफ़िकल्टी होगी, उतना एरिया नहीं होगा. दैट इज़ वाई हमें क्या करना है, गार्बेज भी कम प्रोड्यूस करना है. वो और कैसे हो सकता है कि अननेसेसरी पैकिंग जो है उससे बचा जाए. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वाई. सो कंपोस्ट का यूज़ हमें करना चाहिए फर्टिलाइजर्स के यूज़ से, वो बेटर है क्या? तो इसका आंसर होगा येस, कंपोस्ट का यूज़ क्या है बहुत ज़्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. बिकॉज कंपोस्ट क्या है, नेचुरल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना हुआ है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं क्रिएट करते हैं. बट जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं तो वो सॉइल को हार्म करते हैं. एंड अगर वो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट्स में जाते हैं, वो फूड सब्सटेंस हम खाते हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली हमें भी हार्म करते हैं. उसके अलावा जो सॉइल से वो वाटर में इनकेस अगर चले जाते हैं तो केमिकल्स, तो वो सॉइल पॉल्यूशन भी कर रहे हैं और वाटर पॉल्यूशन भी कर रहे हैं. तो इससे ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रह रहे हैं वो भी अफेक्ट होते हैं. तो सिंपली क्या है, कंपोस्ट का यूज़ जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर है. फाइन, तो ये चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट यहाँ पर हमारा एंड होता है, जहाँ पर हमने गार्बेज की स्टोरी पढ़ी कि गार्बेज को कैसे डील करना है, गार्बेज का प्रोडक्शन जो है वो कैसे कम किया जा सकता है, प्लास्टिक कैसा गार्बेज है, पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं. सो ये सारा कुछ गार्बेज के बारे में हमने देखा. नाउ अब हमारे साइड से हमें क्या करना है, इतना अवेयर अपने आप में होना है एंड अपने सराउंडिंग में, सोसाइटी में लोगों को अवेयर करना है कि आप गार्बेज डंप नहीं करो रोड पे. बिकॉज उससे क्या होगा, सबसे मेन चीज़ तो गंदा दिखता है. अगर आपको कोई और कॉन्सिक्वेंस नहीं भी पता है कि क्या इफेक्ट है गार्बेज का, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, आप रोड्स देखते हो, आप काफ़ी सारे फॉरेन सिटीज़ की रोड्स देखते हो तो बहुत क्लीन दिखती हैं, मतलब बहुत अच्छा दिखता है आपको. एंड अपने आप ही रोड क्या गंदा दिखता है, तो रीज़न क्या है, वहाँ एकदम नीटनेस है, क्लीनलीनेस है. बट हम क्या कर देते हैं, गार्बेज को वहीं रोड पे डाल दिया एंड बहुत केयरलेस हो जाते हैं. तो हमें क्या करना है कि इस केयरलेस से बचना है, केयरलेसनेस से, एंड गार्बेज को प्रॉपरली डंप करना है. एंड जितना कम से कम यूज़ हो गार्बेज का उतना कम यूज़ करना है. पॉलीथिन्स का यूज़ कम करना है बिकॉज वो डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं. इनकेस अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन आंसर्स में नोट डाउन करने में कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई होप आपको ये चैप्टर एंड हमने जो इसके पहले सारे चैप्टर्स पढ़े समझ आया हो. सो ये सीरीज यहाँ पर एंड होती है विथ द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 16. स्टडी ऑल द चैप्टर्स वेरी वेल एंड थैंक यू.